नमस्कार परी परमात्मा देव तेरी लीला का अंत नहीं पाया जा सकता अंत कारण केते बिललाहे प्रणम के अंत ना पाए अंत नामता सदा बेअंता कहो मान सत्य ऊंचा पूज्य वार बेअंत स्वामी कौन जाने काल गुजरे समते उजरे ते बिरसे पाप मेरे पशु प्रेत मुगत को उतारे पाहन पार उतारे नानक दास तेरी समाई ते सदा सदा फिर की होया अतुट विश्वास पैदा हो गया साढ़े अंदर अतुट विश्वास नहीं है ना पिया थोड़ा थोड़ा है सड़कों वालों भी टूट जाता है बाबे अरदास करती जी है की पता पूरी हो गए कि ना हो मेरी तो पूरी हो गई थी तेरी जाना शादी नहीं देती होगी ना दूसरी भैन की है अरदास नहीं करी झूठी होगी तू विश्वास रख और नहीं पता दान लगू तो पूरी होगी सिंह भी उदर कहते अरदास उदो पूरी होनी है जब असी रुतबे से पहुंच जावे शेरे पंजाब ने इंदिरा खबर दरिया से अरदास की क्योंकि जमनौर के किले को फतेह करना बहुत अटक दरिया चढ़िया होया दरा खैबर की जंग शेरे पंजाब ने अरदास की सब तो पहला गुरु नानक साहब के चरणों ध्यान धरिया ताए गल आखी सुनाए सरा गुणा के सुनाए सेक पी सुने अंदे पावे सुने हाथ होवे नानक भगतान सदा विनाश सुने दूप पापा अरदास की दरा खाबर दरिया का गोडे गोडे पानी हो गया सी इस करके अरदास सी एदा नाम है अरदास एदा नाम है विश्वास एदा नाम है असी गुरु की बख्श के उत्ते पहरा दे रहे हैं साडे ते बख्श भी होवेगी असी साडी अरदास विकसी नहीं जा सकती जिनके चित कठोर से बैन हर जी पास उथे सच बखदा ते कूड़े आला चित उदास ओए वालछर कल झट कर दे वे जाए बैर कूड़े आला पास सच कौड़ा चंगा नहीं लगता उन्हें छत था यार पुरखावा झूठ कौड़े आ झूठ बोलने वाले शर्बत का गिलास सच बोलने वाले पानी का गिलास चंद कर झूठ बोलने वाले सोडे की बोतल बड़ा बड़ा भी बड़ा फिर करके बड़ा सियासी है ते गुरु जी की कहते ने भाई गुरमुखो मिर्थी कदे न हो गई जान की अरदास नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुण अरदास गल्लां बहुत ज्यादा आई जांदियां ने टाइम ज्यादा हो गया बाबे भी कहते भी टाइम सिर हट गया कर तेनू कहना स्पैशल टाइम दिता
ਤੇ ਮੈਂ ਆਹਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਬੱਲੇ ਵੱਧ ਹੀ ਦਊ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਰਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੱਤੇ ਥਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਥੰਮ ਤੇ ਨਿਕਸੇ ਕੈ ਵਿਸਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਲਖੇ ਨਾ ਆਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਤਾਰੇ ਅਣਖ ਬਾਗ ਥੰਮ ਜੋ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗਾ ਛੇੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਗਊਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਥੰਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਰ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾ ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾ ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾ ਨਾ ਗਊ ਤੋਂ ਮਰਾ ਨਾ ਛੇਦ ਤੋਂ ਮਰਾ ਨਾ ਢਾਲ ਤੋਂ ਮਰਾ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾ ਹੀ ਨਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਵਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਸੂਰਜ ਅੰਦਰ ਸੀ ਦਲੀਜਾ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਧਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਹੱਥਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਨਾਨਕ ਪਾੜ ਕੇ ਹਰਨਾਕ ਜੀ ਦਾ ਹਰਨਾਕ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਰਾਇਆ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰੱਬ ਵਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪ
शहीद होगी चिदाम पर लगेगी हर बस मेले वतन पर बार लिखने वालों का ये वाकई निशान होगा। उन्होंने कमाई की सी उन्होंने महाराज ने रखा सहायता की किनिया क मैं गल दस दिया असि लगे सियाल खाने मगर दसवें पातशाह की मगर नहीं लगते जो उसके मगर लग जावे ना तो फिर की होगा जो मंगोगे मिले असि झूठ पर लाते हैं झूठ जड़ा है वो उस तरह कैंची कपड़े न पट दी है इस तरह श्रेष्ठ कर्म खत्म कर दे झूठ रहा कि जीभा से बैठा हो इस करके झूठ का त्याग करना चाहिए और परमेश्वर ने झूठ का यत्न उपराला करना चाहिए। इस करके मैं थोड़ी साखियां सुनाईया है अज का दिन बहुत भारी शक्तिशाली दिन है क्योंकि आज के दिन परमेश्वर जी का रूप धार के आया सी मुल्तान के थम्मा के उत्ते और लोगों प्रहलाद को खत्म करने वास्ते तुरी हुई सी अज वो हुका लैके प्रहलाद उत्ते पै गया तो हुका सड़ के सुवाह हो गई गुरु नानक साहब महाराज की बाणी के विचार पैदा होया हर युग युग भगत हो पाया पै रखना आया हर राक्ष दो चार मारिया ते प्रहलाद आया तो उन्होंने रखिया सहायता की गुरु जी ने बख्शा हो गई आनंदपुर साहब वाली थोड़ी एक मैं दसदा सी आनंदपुर साहब गुरु जी ने होला रखिया सब तो पंजाब का जोड़ मेला आनंदपुर साहब है जिस धरती के 18 महीने रह के गुरु जी ने बहुत भारी तप किया और खालसे की सृजना की है और सच का उपदेश दिता है लंगर देव चलाने का यत्न के उपराला किया है देव देव मैं दो चलाए राख आप मोए फिर ये भी प्रमाण कर देता आपे सुनत सत पाते आपे विदा करावे आपे भांडे दे परोसे ते आपे मैं लंगर दी प्रथा चलाई है खालसे नु लंगर छकवा सिद्धि जारी कीता है। पहले पंगत ते पाछे संगत ये गुरु का तुम पर जाना है सो मैं इतने ही समाप्ति करता हूँ होले दिया लख लख बधाइया सारिया संगत दसवें पातशाह कृपा कर साढ़े से भी मेहर कर असी उन्होंने चरणा साढ़े भी मस्तर से लगे साढ़े पिछले गुनाहों की माफी मिले अगे असि श्रेष्ठ काम कर सकते तो मैं हम फतेह भी आना गज बज के फतेह ने जा फतेह दिया जे समाप्ति करते हैं अगली पूर्णवाशी जोड़ मेला बहुत भारी मना है संगत के नाल ही है ना हम तो कुछ नहीं संगत मेरे वालों ये वचन है कि बाबा जी की बरसी मैं रखी हुई है नाल पूर्णमाशी का जोड़ मेला है तो बहुत भारी अनाज जा के रौनक भी बधाई है लंगर भी चलाने ने बदिया तो सारिया संगत दर्शन दें तो लंगर छकन तो नाले गुरु का जग सरवण कर नाले बाबा जी का आशीर्वाद लै 6 तरीक 6 अप्रैल और बहुत चढ़ती कला का प्रोग्राम करना है अपना सारे ने मिलकर संगत दर्शन देवे मेरी बेनती।
ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦਸ ਦਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੰਗਰ ਵੱਧ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ, ਕੋਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਵਧੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ।